खोज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ल्ड में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी महिला की कहानी जो 5 रुपए के लिए दिन भर खेतों में काम करती थी, मजदूरी करती थी, कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन आज करोड़ों डॉलर की कंपनी की सीईओ है। ये कौन है, इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बच्ची जो कभी नंगे पांव पैदल चलकर स्कूल जाती थी, अब मर्सिडीज बेंज से चलती है। आज वो अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर कंपनी की सीईओ है। ज्योति की ये सफलता असाधारण है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के गुडेम में हुआ था, हालांकि अब ये तेलंगाना में है। वे अपने परिवार में 5 बच्चों में दूसरी सबसे बड़ी लड़की थी। उनके पिता वेंकट रेड्डी एक किसान थे। ज्योति के परिवार के लिए हर रोज एक संघर्ष जैसा होता था। उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए जूझना पड़ता था। जब वे 9 साल की थी तभी उनके पिता ने उन्हें और उनकी छोटी बहन को एक अनाथालय भेज दिया। उनका मानना था कि कम से कम वहां रहकर उनकी बेटी को 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। ज्योति कहती है कि यह एक भयानक और बुरा दौर था। मुझे अपनी माँ और घर की याद सताती थी, लेकिन मैं ये समझकर अनाथालय में रह रही थी कि मेरी माँ ही नहीं है। ज्योति ने वहाँ कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई की। ज्योति उन दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि उस वक्त अनाथालय में पानी की भारी कमी होती थी और वहाँ कोई टैप या नल भी नहीं होता था। इतना ही नहीं, वहाँ बाथरूम की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं थी। वहाँ वो अपनी अम्मा को बुरी तरह से याद करती थी। ज्योति बताती हैं कि ये सब तो मुश्किल का एक छोटा सा हिस्सा था। वो कहती हैं कि जब वो 2.5 किलोमीटर पैदल नंगे पांव चलकर सरकारी बालिका विद्यालय में पढ़ने जाती थी और जिस रास्ते से वो जाती थी उसी रास्ते में एक स्कूल सेंट जोसेफ पढ़ता था। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को देखकर वो सोचती थी कि ये कितने खुशनसीब बच्चे हैं जिनके पास अच्छी ड्रेसेस हैं और पैरों में पहनने के लिए अच्छे जूते। ज्योति स्कूल के साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग लेती थी ताकि काम करके अपने पिता की कुछ मदद कर सकें। वह कपड़े सिलने धुलने जैसे घरेलू काम करती थी। धीरे धीरे ज्योति को एहसास होने लगा कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक अच्छी नौकरी की जरूरत होगी। ज्योति ने अपने सुपरिंटेंडेंट से 110 रुपए उधार लिए और आंध्रा बालिका कॉलेज में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषयों के साथ एडमिशन ले लिया। लेकिन ज्योति के पिता ने उनकी शादी एक दूर के रिश्तेदार सम्मी रेड्डी के साथ कर दी। शादी के वक्त वह मुश्किल से 16 साल की थी। सम्मी भी एक किसान थे, इसलिए ज्योति को भी खेतों में जाकर काम करना पड़ता था। खेत कम थे इसलिए दूसरे किसानों के धान के खेतों में 10 घंटे तक काम करना पड़ता था। इसकी एवज में उन्हें सिर्फ 5 रुपए मिलते थे। शादी के 3 साल के भीतर ही ज्योति की 2 बेटियां बीना और बिंदु हो गईं। घर और बच्चों की जिम्मेदारी आ जाने के बाद कुछ करने की सोची। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत चलने वाले सायंकालीन स्कूल में 120 रुपए प्रति माह की तनख्वाह में टीचर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने 1 साल तक काम किया। उसके बाद जन शिक्षा निलयम वारंगल में लाइब्रेरियन की नौकरी मिल गई। उन्होंने वहाँ रहकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से 1994 में बीए की डिग्री और 1997 में काकातिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें एक सरकारी स्कूल में स्पेशल टीचर की नौकरी मिल गई, जहाँ उन्हें हर महीने 400 रुपए मिलते थे। स्कूल में पढ़ाने के साथ ही वे रास्ते में यात्रियों को साड़ी बेचा करती थी ताकि किसी तरह से ज्यादा पैसे कमा सकें। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ज्योति की स्थिति में कुछ सुधार आया। उन्हें 6,000 रुपए की नौकरी मिल गई। ज्योति के एक रिश्तेदार अमेरिका में नौकरी करते थे। ज्योति भी अमेरिका में नौकरी के सपने देखा करती थी। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा किया। मार्च 2000 में उन्हें अमेरिका से नौकरी का ऑफर आया। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को एक हॉस्टल में भिजवा दिया और खुद अमेरिका चली गई। अमेरिका के शुरुआती दिनों में ज्योति रेड्डी को एक गैस स्टेशन में नौकरी करनी पड़ी। इसके बाद वह बेबी सिटिंग वीडियो शॉप में काम करती रही। 1.5 साल के संघर्ष के बाद वह भारत लौट आईं। इस दौरान उन्हें एक गुरु ने बताया कि वह अपना खुद का बिजनेस करने के लिए बनी है। इसके बाद वह वापस अमेरिका गईं और वहां वीजा प्रोसेसिंग के लिए कंसल्टिंग कंपनी खोल ली। ज्योति की किस्मत अच्छी निकली और उन्होंने पहली बार में ही $40,000 की बचत कर ली। फिर ज्योति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन नाम से अपनी खुद की कंपनी खोल ली। ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर की मदद करती थी।
सिर्फ 3 साल के अंदर ही ज्योति की कंपनी ने $168,000 का प्रॉफिट कमा लिया। आज ज्योति की कंपनी में 100 से अधिक लोग काम करते हैं और उनके पास अमेरिका के अलावा इंडिया में 4 घर हैं। उनकी कंपनी का टर्नओवर $1.5 करोड़ से अधिक है। ज्योति सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद आज भी अपने जड़ों को नहीं भूली हैं। वो गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करने में सबसे आगे हैं। ज्योति रेड्डी दिव्यांग युवाओं की शादी में भी सहयोग करती हैं। हाल ही में उन्होंने ऐसी 99 शादी कराई हैं। ज्योति ने अपने कड़े संघर्ष से ये साबित कर दिया है कि अभाव किसी व्यक्ति को सफल होने से नहीं रोक सकता। खोज बर्ड में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।